नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गिरिडीह के डुमरी थाना के आमरा पंचायत सचिवालय में प्रतिरोध दिवस मना रहे नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को काला झंडा फहराया। सचिवालय के बाहर काला झंडा फहराने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण सचिवालय पहुंचे। माओवादियों द्वारा एक नक्सली पर्चा भी फेंका गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी डुमरी अनुमंडल और डुमरी थाना पुलिस को दी है। इसके बाद अधिकारी आमरा पंचायत पहुंचे और काले झंडे को उतारा। नक्सली पर्चा में संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला के गिरफ्तारी और जेल में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने का विरोध किया गया। इलाके में ये नक्सलियों की इस तरह की पहली घटना है। मधुबन थाना क्षेत्र के जयनगर और दलान चलकारी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नक्सलियों द्वारा काला झंडा फहराया गया। पोस्टर भी चिपकाए गए। इसमें 27 जनवरी को पूर्व घोषित बिहार झारखंड बंद को सफल बनाने का आह्वान भी किया। बताया जा रहा है कि किशनदा की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर नक्सलियों की ओर से 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।